हेलो डियर स्टूडेंट, आज असी प्लस टू जमात की काव्य क्यारी पुस्तक विच दर्ज कविता ताजमहल जो कि प्रोफेसर मोहन सिंह जी की शाहकार रचना है बारे पढ़ांगे। बेटा, इस कविता दे पहले भाग विच कवि ने ताजमहल की खूबसूरती का वर्णन किया है अते दूसरे भाग विच साम्राज्य तानाशाह शक्तियां भाव के शाहजहां द्वारा गरीब मजदूरों के उपर जो जुलम ढाया गया सी उसनू बयान किया है। सो इस तरह कवि ने हजारा मजदूरों के जुलम के आधार पर उसारे गए ताजमहल नू सुंदरता का नमूना नहीं बल्कि मनुखता दे नाल कीता गया धोखा करार किया है। ओके बेटा, हुण असी पेज नंबर 31 अते 32 के उपर जो पहले दो पैरे ने उन्होंने रीड करांगे। दुध चिट्टियां रगदार मरमरा दे गल घत के बाही सोहल पतलियां चन दियां रिशमां सुतियां बेपर वाही बिरशां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गड़ूंदे। नैक्सट पेज नंबर 32 बेटा, घा दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे। ओके बेटा, इत्थे तक अज असी अपनी व्याख्या करनी है। सब तो पहला असी जो ये पैरा है इसे वर्ड मीनिंग लिखांगे। फर्स्ट वर्ड बेटा रगदार तारीदार, नेक्स्ट वर्ड है मरमरा, मरमरा संगमरमर दियां सिलां। नेक्स्ट बेटा गल कत के बाही, गल बाहां पा के। नेक्स्ट बेटा रिश्मा किरना, किरना इतने चन दिया किरना। नेक्स्ट वर्ड बेटा बिरशा रुखा गड़ूंदे मस्त। नेक्स्ट पेज से देखो सोहल सीनिया उत्ते, सोहल इतने मखमलिका। नेक्स्ट बेटा स्वाद स्वाद आनंद माणते हुए। नेक्स्ट हुण इस तो बाद बेटा वर्ड मीनिंग डिस्कस करन तो बाद असी इन्हां दोनों पैरियां की व्याख्या करनी है। पर व्याख्या करन तो पहला देखो असी अपने कॉपीज़ उपर जिवें व्याख्या लिखनी है, सब तो पहला असी कविता का हैडिंग देना है कविता ताजमहल कवि प्रोफेसर मोहन सिंह। उस तो बाद बेटा असी प्रसंग का हैडिंग दे के प्रसंग दीयां कॉमन लाइनस ते नाल जो इस कविता विच कवि ने बयान करन दी कोशिश कीती है उसनू इत्थे लिखांगे। ठीक है, जिवें ताजमहल कविता साड़ी ISC बोर्ड वालों प्रवानित पुस्तक काव्य क्यारी विच दर्ज है जो कि प्रोफेसर मोहन सिंह जी की मास्टरपीस रचना है। हुण अगे बेटा विषय नाल संबंधित जदों लाइना लिखनियां तुसीं देखो पेज नंबर 31 दे उपर। ठीक है, इस कविता दे जो उपर एक पैरा दिता गया जदों कविता शुरू हो रही है देखो कवि बारे जिथे दस्या गया उहदा लास्ट पैरा। इस कविता दे जां ताजमहल दे पहले भाग विच ताजमहल दी खूबसूरती दा सोहजमई चित्रण कीता गया है अते दूजे भाग विच साम्राजी तानाशाह शक्तियां द्वारा गरीब मजदूरां दा शोषण करन ते ताजमहल दी खूबसूरती ते प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। हुण इत्थे नाल ही तुसीं इक लाइन ऐड कर लैणी होर। सो इस तरह कवि ने हजारां मजदूरां दे जुलम दे आधार ते उसारिया गया ताजमहल सुंदरता का नमूना नहीं बल्कि मनुखता नाल कीता गया धोखा करार किया है। इत्थे तक बेटा साडा प्रसंग दी लाइनां कंप्लीट होणगियां जो कि असी अपने कॉपीज़ के उपर लिखना है। उस तो बाद बेटा नैक्सट पॉइंट साडा आ जांदा है संकेत। ठीक है, इस तरह तुसीं भी अंडरलाइन करना है संकेत जदों देना है। देखो पहला फर्स्ट लाइन आ दुध चिट्टियां रगदार मरमरा। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले वर्ड ला लिया सी दुध चिट्टियां फिर डैश डैश। और बेटा नैक्सट पेज से देखो जो साडे लास्ट लाइन ने स्वाद स्वाद हो ऊंगे, वो लास्ट वर्ड ला लिया सी स्वाद हो ऊंगे। उस तो बाद बेटा साडा नैक्सट थर्ड स्टैप है व्याख्या। हुण व्याख्या जो असी इन्हां दोनों पैरियां दी लिखनी है उसनू अपनी कॉपीज़ के उपर लिखना है। ओके बेटा, पहले असी फर्स्ट पैरा रीड करांगे। दुध चिट्टियां रगदार मरमरा दे गल कत के बाही सोहल पतलियां चन दियां रिशमां
सुतियां बेपरवाही। इन्हां सत्रां विच कवि चांदनी रात विच ताज महल दी खूबसूरती दा वर्णन करदे होए लिखदा है कि जदों चांदनी रात विच चन्न दियां सोहल ते पतलियां रिश्मां दुत वर्गे चिट्टे धारीदार संगमरमर दियां सिलां उत्ते पैंदियां हन तां इस तरह लगदा है कि जिवें चन्न दियां रिश्मां ताज महल दे गल बाहां पा के बेपरवाही नाल सुतियां होण। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बेटा, बिरशां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गड़ूंदे घा दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे। हुण बेटा इहनां दी व्याख्या है, ताज महल दी सुंदरता दा नज़ारा इन्ना दिलकश सी कि उस दे आले दुआले जो रुख बूटे उगे हुए सन उहनां दे परछावें भी ताज महल दी खूबसूरती दे नशे विच मस्त सन। नैक्सट लाइन देखो, घा दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो ऊंगे, अते इहनां रुखां दा परछावां जदों ताज महल दे आले दुआले उगी हुई मखमली घा दे उपर पै रहा सी, घा दे सोहल सीनियां उपर पै रहा सी, तां इस तरह लग रहा सी कि जिवें रुखां दा इह परछावां भी ताज महल दी सुंदरता दा आनंद माणदे होए ऊंग रहा होवे। ओके बेटा, इत्थे तक साडी आ जांदी दोनों पैरियां दी व्याख्या जो तुसीं अपनी कॉपीज़ दे उपर लिखनी है। ते नाल ही नैक्सट देखो, लग टाहना गल वेलना सुतियां इत्थों लैके अते टोर उसदी बज्जी, इत्थे तक तुसीं सारी